महर्षि वाल्मीकि के कर्मभूमि, माता सीता के शरण भूमि और लव कुश के ई भूमि पर हम सबके प्रणाम करतानी। राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्यकर जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी नित्यानंद राय जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, राज्य सरकार में मंत्री वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी जी, संतोष कुमार सुमन जी, सांसद संजय जायसवाल जी, राधामोहन जी, सुनील कुमार जी, रमा देवी जी, सतीश चंद्र दुबे जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो भूमि है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में नए प्राण फूंके, नई चेतना का संचार किया। इसी धरती ने मोहनदास जी को महात्मा गांधी बना दिया। विकसित बिहार से विकसित भारत, इस संकल्प लेने के लिए बेतिया से बेहतर, चंपारण से बेहतर और कोई स्थान हो सकता है क्या बोला? और आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सभी, हम एनडीए के सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए। आज बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों से भी हजारों लोग विकसित भारत संकल्प इस कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर जुड़े हैं। मैं बिहार के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबसे क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में जरा ज्यादा विलंब हो गया। मैं बंगाल में था और इन दिनों बंगाल का उत्साह भी कुछ और ही है। वहां 12 किलोमीटर का रोड शो था तो बड़ी मुश्किल से मैं समय कम करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन इसके कारण लेट पहुंचा। आपको जो कठिनाई हुई इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है।
आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई।